हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं ल्यूमिया 60 के कैप्सूल के बारे में। दोस्तों ल्यूमिया 60 के कैप्सूल के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस कैप्सूल को कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ल्यूमिया 60 के कैप्सूल की बात करें तो इसके अंदर कोलेसिफ्रॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसको सन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों 300 रुपये के आसपास में ये 8 कैप्सूल का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये जो कैप्सूल होता है विटामिन डी का कैप्सूल होता है। दोस्तों विटामिन डी जो होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। यह हमारे शरीर में संक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों विटामिन डी जो होता है यह एक हमारे शरीर में एक योद्धा का काम करता है, जो कि अन्य जो बीमारियाँ होती हैं उनसे भी ये हमें बचाने का काम करता है। दोस्तों विटामिन डी यह एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन डी जो है दोस्तों नॉर्मली वैसे हमें सूरज की किरणों से हमें प्राप्त हो जाता है। यदि किसी कारणवश दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिसीज़ हो जाती है और बच्चों में रिकेट्स नाम की डिसीज़ हो जाती है। तो विटामिन डी जो होता है यह हमारी बॉडी में हड्डियों और कोशिकाओं की सामान्य वृद्धि में मदद करता है। दोस्तों विटामिन डी के जो मेन फायदे हैं वो इधर मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं इस ल्यूमिया 60 के कैप्सूल को कब इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस कैप्सूल का जो इस्तेमाल किया जाता है सप्ताह में एक बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, यदि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों इस कैप्सूल को पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अगर आप इस विटामिन डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही करें, खुद से इस कैप्सूल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।